हे गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में मैं सारे हमारे पेट्स को खाना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी पिजन्स को दे रहा हूँ, हमारे रैबिट्स को तो मैंने अभी जस्ट दिया खाना, ये देखो भाई। तो दोस्तों हमारे जो बच्चे रैबिट्स के इतने बड़े हो गए यार, ये खुद ब खुद अभी उनकी उनकी घास वो खुद खा रहे हैं, ये देखो यार। अभी डरते भी नहीं यार ये पहले जैसे, नहीं तो भाई पहले तो मैं ऐसे ही ये करता था, सारे बच्चे भाग जाते थे नीचे। अभी एकदम शांत, मतलब कंफर्टेबल हो चुके हैं यहाँ पे। अभी मुझे ये पहचानने लगे क्योंकि मैं इनको हर रोज घास देता हूँ। अभी दोस्तों मैं हमारे पिजन्स को दे रहा हूँ और इसमें मैंने ना भाई इनका फेवरेट फूड मिक्स किया है। अभी देखो यार इनका अटैक देखो आप सिर्फ। चलो भाई आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट फूड ये देखो भाई, ये तुरंत अटैक करने वाले भाई क्योंकि इनका फेवरेट फूड है ना, ये देखो भाई जबरदस्त। यहाँ पे मैंने हरभरा चना वगैरह और बहुत सारे चीज़ें मिक्स की है इसमें, इनका तो फेवरेट ही दोस्तों ये। और दोस्तों आपको एक पता है, हमारे जो किंग ने कुछ दिनों पहले बेबी हैच किए थे और मैंने आपको उनका भी अपडेट दिया था। तो भाई अभी आप है ना वो देखो यार, वो बच्चे कितने बड़े हो गए, ठीक है ना। मैंने कुछ लास्ट टाइम ही आपको इसका अपडेट दिया था, ये वाला पहले वाला बेबी हो गया, ये देखो यार कितना बड़ा हो गया ना। ये वाला एक हो गया और ये सेकंड वाला हो गया, ये देखो भाई। अब ये बच्चे लगते भी नहीं यार, इतने बड़े बड़े कबूतर हो गए ये भाई भाई भाई, ये देखो। और ये भी अभी खुद ब खुद खाना खाने लगे ये दोनों बच्चे। आपको पता है ये हमारे ये वाले किंग के बच्चे, ये वाले किंग के बच्चे, ये देखो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, कितने क्यूट है भाई। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी पिजन के केज के अंदर जाता हूँ और कौन से पिजन ने कितने अंडे दिए मैं वो भी चेक कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे सारे पिजन है ना नीचे आए तो इजी जाने वाला है अभी मुझे अंदर इनके अंडे देखने के लिए। ये हो गया हमारा कबूतरों का घर, ये देखो भाई यहाँ पे भी दो अंडे हैं और यहाँ पे भी दो अंडे हैं, बाकी ऊपर कुछ नहीं है। हमारे कल्लू ने भी अंडे दिए हैं, अभी तो अंडे ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दो अंडे हैं, बाकी यहाँ पे एक अंडा यार नीचे गिरा हुआ है, पता नहीं क्यों, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो ये देखो दोस्तों मैं इसके ये दोनों बच्चे कह रहा हूँ, ये एक फीमेल है और ये हमारा मेल है, ठीक है। और ये दोनों बच्चे भाई अभी हमारे सेम कलर के चार कबूतर हो जाएंगे यार। अभी तो इनका कलर थोड़ा फेंट है क्योंकि ये थोड़े छोटे बच्चे ना, तो इसकी वजह से इनका कलर थोड़ा फेंट है। और दोस्तों मैंने ना दोनों बच्चों में एक फर्क देखा, ठीक है। इस बच्चे के आप पैर देख सकते हो बिल्कुल खुले हैं और इस पैर इसके पैर देख सकते हो यार, इसके पैर पे थोड़े बहुत ऐसे ना पीस आए हुए हैं, मतलब ये थोड़ा और फैंसी हो गया यार, ठीक है ना। ये फैंसी है ही भाई, नॉर्मल कबूतर से ये बहुत बड़े बड़े होते भाई, ये किंग पिजन ये बहुत बड़े है भाई, ये मुर्गी से थोड़े छोटे होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है यार हम इसको गुस्से वाला पिजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ये जो अंडे देते हैं ना यार, ये इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये देखो भाई इसका गुस्सा देखना चाहिए भाई। और इसका जो मेल है ना यार, ये फीमेल है, ये तो थोड़ा कम गुस्सा करती है, इसका जो मेल है ना भाई ये और ज़्यादा खतरनाक है भाई, डर बाहर आ जाता है भाई हमारे ऊपर भाई। ये देखो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उनके अंडों को लेकर। तो दोस्तों इनका अपडेट अभी अपन कंप्लीट एक हफ्ते के बाद देखने वाले हैं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद बहुत सारे यहाँ पे बेबीज आने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा ना भाई चिक्के ना सारे डरबों में भाई बहुत सारे अंडे है, ठीक है। ये दो अंडे हमने यहाँ पे कैंडलिंग किए थे अभी, तो ये तो खराब ही है और ये ऑलरेडी फूटा हुआ था, ये देखो पूरा खराब हुआ है, ठीक है। अभी ये दोनों अंडे हम फेंक देते हैं। पिजन्स और रैबिट्स को तो मैंने दे दिया, तो अभी दोस्तों हमारे कॉकटेल और बजीज की बात। तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे कॉकटेल और बजीज आ जाएंगे। दोस्तों इनको मैं खाने में दोपहर में, सॉरी अभी मॉर्निंग में तो इनको बाजरा देता हूँ, दोपहर में इनको इनका फूड जो राड़ा होता है वो देता हूँ, और जो इवनिंग होती है तब इनको जो हरी सब्जी वगैरह होती है थोड़ी थोड़ी मेरे इनको दे देता हूँ। कभी कभी इनको मैं सॉफ्ट फूड भी देता हूँ हमारे बजीज और कॉकटेल को। ये देखो भाई अभी सारे के सारे आ गए हमारे बजीज और कॉकटेल। ओहो आ जाओ भाई, इनका भी बहुत जल्द दोस्तों हम अपडेट देखने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि इनके सारे मटकियों में अंडे ही अंडे थे। ये देखो भाई तो दोस्तों हमने हमारे पिजन्स के लिए एक अच्छा जुगाड़ कर लिया, मतलब इनको खाने के लिए हमने ये वाली चीज़ रख दी और पानी पीने के लिए वो चीज़ रख दी, ठीक है। ये तो भाई बहुत अच्छा इनके लिए सक्सेस हो गया, बट हमारे जो बजीज है और कॉकटेल है उनके लिए अभी तक हमने वो मतलब कोई ये नहीं किया। और इनका जो वाटर है ना दोस्तों हमें हर रोज चेंज करना पड़ता है, पिजन का वैसे नहीं यार, दो तीन दिन बाद हम सिर्फ एक ही बार इनको फूड देते हैं और उनका जो पानी होता है 7 दिन में हम एक ही बार भरते हैं, ठीक है। बट हमारे बजीज का यार हमें हर रोज़ पानी चेंज करना पड़ता है। तो यार दोस्तों इनके लिए भी कोई ऐसे फीडर आते होंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों आज मैं हमारे फिशेज के लिए कुछ न्यू ट्राई करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पकड़ना एक मिनट भाई,
इसकी कंडे से पकड़ के रख। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे है ग्रीन पीस जो कि ये फिशेस के लिए बेस्ट फूड माना जाता है यार, ठीक है। तो आज दोस्तों मैं हमारे फिशेस को बॉईल करके ग्रीन पीस देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे भाई मुझे कब का कह रहे हैं यार आप ये ज़रूर ट्राई करना आपके फिशेस के लिए, तो दोस्तों आज मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ। इनको मैं देता हूँ भाई श्रिम देता हूँ डेली, इनको पैलेट्स देता हूँ, कलेजी देता हूँ, ऐसे बहुत सारे आइटम मैं देता हूँ इनको, ठीक है। बट यार आज ये क्यों ना मैं यूनिक फूड ट्राई करने जा रहा हूँ। अभी इसे मैं अच्छे से ना दोस्तों पहले बॉईल कर देता हूँ, पहले तो धो लेता हूँ यार, और इसे अच्छे से बॉईल कर देता हूँ। बॉईल करने के बाद मैं हमारे फिशेस को दूंगा, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना तब हम हमारे फिशेस को देंगे। पहले तो हमारे मुझे पता ही था यार, ये देखो भाई, खाओ खाओ भाई तुम्हारा खाना, खा लो। तो हमारे रस्टी और सिम्बा को मैंने उनका खाना दे दिया है और वो खाना खाने में व्यस्त थे, तो अभी मैं जल्दी नीचे जाता हूँ और नीचे जाकर मैं अच्छे से बॉईल करके लाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको अभी बॉईल करने के लिए रख दिया है, अभी ये जब तक सॉफ्ट नहीं होते तब तक मैं इनको अच्छे से बॉईल कर लूंगा। दोस्तों हम इनको जितना ज्यादा सॉफ्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे फिशेस अच्छे से खा पाएंगे और डाइजेस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं इनको अच्छे से सॉफ्ट कर लूंगा, क्योंकि फिशेस है ना यार इसे कड़क वाली चीजें खाना पसंद नहीं करते, तो इसी की वजह से मैं इनको अच्छे से सॉफ्ट कर लूंगा फिर हमारे फिशेस को मैं दूंगा। तो दोस्तों अभी ये अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं, अभी मैंने इनको देखा यार यहाँ पे, ये देखो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो चलो यार अभी हम इनको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं और इसे ठंडा करके हमारे फिशेस को हम देते हैं। तो दोस्तों अभी ये ड्राई हो चुके हैं, ड्राई मतलब ठंडे हो चुके थोड़े बहुत। तो चलो यार अभी सबसे पहले ना दोस्तों मैं हमारे गोल्ड फिश के ऊपर देता हूँ, क्योंकि यार अभी ना इवनिंग हो रही है और इनको रात में तो दिखता नहीं यार, ठीक है। तो ये देखो भाई अभी थोड़ी देर में यार सूरज ढल जाएगा, तो पहले मैं हमारे गोल्ड फिश को देता हूँ, टेरेस वाले फिशेस को। ये पकड़ जल्दी जल्दी पकड़ खुल जा भाई। ओहो देखो यार अभी थोड़ी देर में यार सूरज ढल जाएगा, उसके पहले हमें ना हमारे गोल्ड फिश को भी दे देते और बाकी जितनी फिशेस है उनको भी दे देते। तो ये देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छे से सॉफ्ट हुआ है और इसे हमारे गोल्ड फिश यार बड़े ही मज़े से खाने वाले। वैसे तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ हमारे फिशेस के ऊपर। ओहो ये खा रही है यार, ये देखो यार ये खा रही है, वाह 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 वाह, खा लो यार। ओके बाकी इधर का जो वाटर है ये तो ग्रीन ही हो चुका है यार, तो ये तो नहीं दिखने वाली। ओ खा रही है, ये देखो ये देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये देखो भाई इनको मैं ना अच्छे से बारीक कर देता हूँ पहले, फिर ये आसानी से खा पाएंगी। ये वाली गोल्ड फिश ने तो बड़े ही मज़े से खाया यार हमारी ब्लैक मोर ने। तो चलो अभी इस वाली को देते हैं, खा ले भाई। ओ खा लिया यार इसने, मतलब इनको पहले से ही आदत है यार, मैंने जहाँ से परचेस किया है ना तो इनको पहले से ही आदत है ऐसे लग रहा है मुझे। तो अभी इस वाली को देता हूँ, चलो भाई आ जाओ। ओ भाई इसने भी खा लिया यार, अभी इधर वाली गोल्ड को देता हूँ। यार हमारे जो गोल्डन फिश है दोस्तों उनके ऊपर मैंने तो ट्राई किया तो उनका तो सक्सेस रहा भाई, आराम से उन्होंने खा लिया, एलिगेटर को भी देना चाहिए। तो इधर तो हमारे सारे छोटे छोटे बेबीज है गप्पीज के वगैरह, तो इनको भी दे देता हूँ मैं, वैसे तो इनको अलगी बहुत सारी खाने के लिए। और दोस्तों मैंने यहाँ पे और गप्पी छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉस्किटो लार्वे वगैरह होते हैं तो ये गप्पी छोड़ने की वजह से वो नहीं होंगे अभी। चलो भाई इनको तो मैंने दे दिया, ये खा लेंगे भाई। ये देखो सारे गप्पीज आ गए यहाँ पे, और मेरे दोस्त ने कुछ गप्पीज मुझे गिफ्ट वगैरह की थी तो मैंने यहीं पे उनको शिफ्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे सारे मिक्स गप्पीज है। दोस्तों मैंने हमारे साइड वाली फिशेज को भी आ गया, आने दे उसे, चल सिम्बा आ जा, सिम्बा भी खाएगा क्या। चलो अभी मैं ना हमारे एलिगेटर गार को भी दे देता हूँ, ये खाएगा तो नहीं खाएगा, खा लेगा। ओए खा रहा है यार ये तो, पता नहीं यार ये खाता है या नहीं, इसे भी दे देता हूँ क्योंकि ये भी मछली है यार, ठीक है ना, ये सिर्फ यार ये खाए। तो मैंने हमारे एलिगेटर गार को भी दे दिया, और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे मैंने ना कुछ ना छोटे छोटे गप्पीज भी छोड़ के रखे, तो टेरेस की और साइड वाले टेरेस की सारे फिशेज को मैंने दे दिया दोस्तों ये वाली चीज। तो चलो यार अभी हमारे जो फिश रूम की फिशेज है उनको देते हैं। ये देखो कैसे खेल रहे हमारे रस्टी और सिम्बा, चलो रस्टी सिम्बा भाई, इनको ना टेरेस पे ज्यादा पसंद है, नीचे से ज्यादा ना टेरेस पे ज्यादा समय बिताते हैं हमारे रस्टी और सिम्बा। दोस्तों आपको पता है यार कल हमने यहाँ पे रेनबो शार्क ऐड की थी और यहाँ पे हमारी रेड कैप गोल्डफिश ऐड की थी, तो यार ये दोनों की दोनों एकदम एक्टिव है, इनको कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी हमारे सारे फिशेस को मैं देता हूँ ये वाली चीज, मतलब ग्रीन पीस। सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट फिशेस को देता हूँ, मतलब हमारे कलर वीडियोस को और हमारे टाइगर बाप को। ओहो ये देखो यार कैसे खा रहे यार मजे से, खा लो भाई, तुम्हारे लिए ये, और देता हूँ इनको यार। ओहो ये तो बड़े मजे से खा रहे यार ये देखो यार, मुझे पता नहीं था यार ग्रीन पीस इतने अच्छे से खाते यार, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ हमारे फिशेस को, दिया था मैंने बट किसी जमाने में दिया था पता नहीं यार, बट देखो यार अभी ये हमारी न्यू वाली फिशेस है सारी की सारी, तो इनको तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ यार। दोस्तों अभी हमारे जो मॉन्स्टर फ्लोरॉन है उसको मैं देता हूँ, चल भाई आ जा खाएगा भाई ये,
ये देखो भाई, हाँ खाना चाहता है ये। चलो चलो आजा 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 आजा, इसको तो पूरा ही दूंगा भाई, ये पूरा निकल जाएगा। ये ले भाई, खा लिया भाई इसने तो। ओ भाई भाई, दो ही, एक ही झटके दोस्तों हमारे फ्लोरन ने यार एक ही झटके में पूरा पूरा ग्रीन पी खा लिया यार। हमारी जो न्यू वाली गोल्ड फिश है ना दोस्तों, मैं उनके ऊपर भी ट्राई करता हूँ। ये तो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि स्ट्रेस में ही बेचारे दोनों के दोनों, पता नहीं खाती या नहीं। नहीं खा रही यार, ये देखो दोनों के, वो खा रही है, खा रही खा रही खा रही। ये देखो यार खा रही है, वाह जबरदस्त। ये वाली तो बेचारे स्ट्रेस में लग रही है मुझे, इसने तो खा लिया यार, ये देखो वाह 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 वाह। तो दोस्तों मैं अभी हमारे ऑस्कर फिशेस के ऊपर ट्राई करता हूँ, जो कि ये हमारे बेबी ऑस्कर। चलो भाई आ जाओ, चलो 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 आ जाओ 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 जाओ। इनके लिए भी बिल्कुल न्यू फूड है यार ये। ओहो खा रही यार ये तो जबरदस्त। हमारे जो इनको मैं श्रिम्प देता हूँ ना, श्रिम्प होते तो ये ज्यादा अटैक करते हैं। तो चलो यार दोस्तों मैं हमारे अभी मॉन्स्टर टैंक के ऊपर ट्राई करने जा रहा हूँ। इनको तो मैं पूरा ही दूंगा यार, क्योंकि हमारा प्लेको तो इनको आराम से खा जाएगा, हमारा बॉब भी खा जाएगा, शार्क का पता नहीं यार। ये देखो भाई दे दिया मैंने। शायद से मुझे लगता है कि भाई ये सिर्फ प्लेको ही खा पाएगा, हमारी मॉन्स्टर फिश तो नहीं खा पाएगी इसको। ओए भाई साहब, देखा यार आपने, ये वाली शार्क ने तो भाई निकल लिए। ये देखो भाई अभी फिर से निकाल दिए, ये देखो ये देखो। ओहो जबरदस्त यार, मतलब ये शार्क भी खाती है। तो दोस्तों मैं अभी हमारे जो पोलर पैरट्स है उनको भी देता हूँ यार। चलो आ जाओ भाई, पोलर पैरट्स तो इजीली खा जाएंगे यार। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बड़े मस्ती से खा रहे यार ये। ओहो वाह 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 वाह। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे जो जायंट गुरामी ना यार, ये तो भाई जो हम कोरिएंडर लीव्स देते हैं ये भी खा जाती है यार। ये तो इनके लिए कुछ चीज़ नहीं है भाई, ये आराम से खा जाने वाली, ऐसा मुझे लग रहा है यार। ये देखो अभी मैं इनको देसी दूंगा ना, ये देखो भाई मैं बोला था ना यार, जायंट गुरामी यार ये ग्रीन पीस वगैरह ऐसे जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, बड़ी आराम से खा जाती है यार। ये देखो अभी हमारी जो बड़ी वाली ना इनको, भाई इधर इधर इधर, अरे इधर इधर खाना यार, अरे इधर यार आ जाना। ये देखो यार आराम से यार, कुछ नहीं भाई, ये देखो आराम से खा लिया भाई इसने तो, जबरदस्त। दोस्तों हमारे फिश रूम के मैंने सारे फिशेस को दे दिया, अभी लास्ट फिश मतलब हमारे जो गप्पी फिश रूम है वहां पे चलते हैं। चलो मेरे गप्पी को भी दे देता हूँ, इनके लिए तो एक ही काफी है। ओहो ये भी बड़े मजे से खा रहे हैं यार, पता नहीं था यार मुझे हमारे फिशेस इतनी शौक से खाएंगी ये वाली चीज। तो दोस्तों मैंने हमारे सारे फिशेस को, सारे गप्पी फिशेस को दोस्तों मैंने ग्रीन पीस दे दी और सारे गप्पीज ने बड़े आराम से खाया यार। ठीक है अभी लास्ट बचे हमारे टर्टल्स, टर्टल्स खाते हैं नहीं पता नहीं यार। यार ये नीचे जा रहा है यार, ये नहीं खा पाएंगे आराम से, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आकर खा लेंगे। नहीं खा रहा यार, नीचे जाकर खा रहा है ये। इनको मैंने सुबह इनको हरी हरी घास दी थी, इन्होंने खा ली थी यार। ग्रीन पीस तो आराम से खा लेंगे। दोस्तों आज हमने हमारे फिशेस को दी फर्स्ट टाइम ग्रीन पीस, ठीक है। मेरे फिशेस ने तो बड़े ही आराम से खाई यार, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना।